पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो बुक है, क्लास 12th सेकंड बुक, उसका फोर्थ चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन और इंडियाज फॉरेन रिलेशन और भारत के विदेशी संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, जब हमने इस बुक को स्टार्ट किया था तो बुक की बिगिनिंग ही इंडिया की इंडिपेंडेंस से होती है। इंडिपेंडेंस के समय आपको पता था इंडिया का स्टेट ऑफ पॉलिटी, स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी क्या था। पॉलिटी काफी टर्बुलेंट थी क्योंकि अभी अभी इंडिया ने पार्टीशन देखा था। सेकंड एस्पेक्ट, इकोनॉमी फुली डिवेस्टेटेड थी क्योंकि ब्रिटिशर्स का 200 साल की लीगेसी इंडिया में छूट गई थी। 200 ईयर्स तक उन्होंने एग्रीकल्चर को जिस वे में रियून किया, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को जिस तरह से डिटेरियोरेट किया, और किसी भी तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं किया। सोसाइटी हाईली डिवाइडेड एंड हाईली डिग्रेडेड, कम्युनल सेंटिमेंट्स थे, रिलीजन के नाम पर लोग बटे हुए थे, जाति प्रथा बहुत स्ट्रांगली एक रिलीजन के अंदर ही फैली हुई थी, कोई भी एक रिलीजन से बिलोंग करते तो जाति प्रथा उसमें थी, बड़े पैमाने पर अमीर और गरीब की खाई बनी हुई थी, और सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स थे तो जातियों से अलग थे, जैसे जमींदार का एक ग्रुप हो गया और एक ग्रुप हो गया खेतीहार का, जिसके पास खेती नहीं है, जो लेबर का काम करता है, एक ग्रुप हो गया मजदूर का, एक हुआ बंधुआ मजदूर का। इस तरह के बहुत सारे सामाजिक ग्रुप उभर करके आए। ये है दौर 1947 का। ऐसे में 1950 26 जनवरी को जब भारत अपने संविधान को लागू करता है और एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनता है, उस टाइम पर इंडिया के सामने इंडिया के सामने क्वेश्चन ये है कि आने वाले समय में इस पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी से कैसे डील करना। सबसे लार्जर क्वेश्चन ये था, लेकिन इमीडिएट अर्ज और इमीडिएट रिक्वायरमेंट भी कुछ थी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। कंट्री के अंदर आने वाले सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ एसिमिलेट करना और जितनी भी बाउंड्रीज हैं उन्हें डिमार्केट करना लैंग्वेज और कल्चरल लाइंस के ऊपर। सेकंड एस्पेक्ट था डेमोक्रेसी को बहाल करना, उसके लिए इलेक्शन कमीशन बना करके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होल्ड करना, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सारी कंट्री के अथॉरिटी प्रोवाइड करना और डिसीजंस भी डेमोक्रेटिकली ही लिए जाएं, इसके लिए लेजिस्लेचर्स बनाना। हमने ये प्रोसेस भी अपनाया और बेहद खूबसूरती से अपनाया। तीसरा एस्पेक्ट ये था कि देश में विकास का ढांचा कैसा हो, कैसा स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ का इंजन किसे बनाया जाए, एग्रीकल्चर को बनाया जाए, इंडस्ट्री को बनाया जाए, गवर्नमेंट को कहाँ तक इंटरवेंशन करना चाहिए और किस लेवल तक प्राइवेट प्लेयर को छोड़ा जाए, गवर्नमेंट ने खुद को कोर एरियाज, बेसिक इंडस्ट्रीज और फैसिलिटेटर के रोल में लिमिटेड किया और प्राइवेट प्लेयर को एक इनेबलिंग ग्राउंड प्रोवाइड की गई, जिसके बाद वो एक्चुअली में आगे बढ़ा और उसने एंसिलरी, इंटरमीडिएट और अदर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा आई। ऐसे में गवर्नमेंट के सामने ये सवाल था कि सोशल सेक्टर को किस लेवल तक हर 5 ईयर प्लान में वेटेज दी जाए, जैसे एजुकेशन का लेवल, हेल्थ का लेवल, सैनिटेशन का, हाउसिंग का क्या लेवल रहना चाहिए। ये सारी जद्दोजहद के दौरान हम भारत के जो तीन मुद्दे हैं, भारत की एकता और अखंडता, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, भारत में लोकतंत्र और भारत का आर्थिक विकास, भारत का बुनियादी ढांचा, द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, इन सभी चीजों के बाद अब रुख करते हैं भारत की विदेशी संबंध। फॉरेन रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से फॉरेन पॉलिसीज डिसाइड होती हैं और किन चीजों पर डिपेंड करते हैं फॉरेन रिलेशंस? देखिए, फॉरेन रिलेशंस आर ऑलवेज अ काइंड ऑफ प्ले बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। जैसे आपका घर, आपके घर के परिवार के मेंबरों के बीच के इंटरनल रिलेशंस और हर मेंबर एक्सटर्नली कैसा सर्कमस्टांस फेस करके आ रहा है, उस पे डिपेंड करता है। आप एक घर में रहते हैं और फैमिली के सभी मेंबर में उस घर के अंदर क्या चल रहा है, इस पर डिपेंड करेगा आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी स्टेबिलिटी और आपकी ग्रोथ, और घर के बाहर आपको क्या मिला है, इस पर डिपेंड करेगा आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी ग्रोथ। इसी तरह से एक कंट्री होती है। कंट्री
किस लेवल पर स्टेबल है, कितनी पीस है उसमें, कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है, ये डिपेंड करता है कंट्री के इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे। तो अंदरूनी संबंध अच्छे हैं, जरूरी भी हैं। इंटरनल रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, रिलेशन बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल एरिया, रिलेशन बिटवीन द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड क्लासेस, रिलेशन बिटवीन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस, रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड डिफरेंट कम्युनिटीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, फॉर द स्टेबिलिटी, फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बट ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस, एक्सटर्नल रिलेशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर हाईली डिपेंडेंट ऑन फॉरन कंट्रीज फॉर योर एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट, फॉर योर मशीनरी रिक्वायरमेंट्स, फॉर योर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स, फॉर योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। सो इंटरनेशनल सिनेरियो इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ योर ओन कंट्री। सो द कंसेप्ट इज, इसके अकॉर्डिंग ही फॉरन पॉलिसी बनेगी। जिस तरह के बाहरी और अंदरूनी उस समय माहौल चल रहे होंगे, उसी पर भी बेस होगा कि कैसी फॉरन पॉलिसी होगी। फॉरन पॉलिसी में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके आज किस देश के साथ कैसे संबंध है, इसमें इतिहास का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चूंकि 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, ये एक इवेंट हिस्ट्री का तब से लेकर के आज दिन तक इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को प्रभावित करता आ रहा है। तो इतिहास में आपके कैसे संबंध रहे जरूरी है। दूसरी बात, इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज जो अडॉप्ट की हैं, उसमें इंडिया को एक ब्रिटिशर्स की 200 इयर्स के दौरान जो कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कराए गए थे डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उस नेगेटिव एस्पेक्ट को भी भुगतना पड़ा है। स्टॉप। ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे रूल कर रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज, जैसे उस समय में एग्जिस्ट करता था बर्मा, जिसे आज आप म्यांमार कहते हैं, जैसे भूटान था, जैसे नेपाल था, इन देशों के साथ किस तरह के संबंध विकसित किए, जैसे अफगानिस्तान भी हुआ करता था, इस पे डिपेंड करते हैं हमारे आज के फॉरेन रिलेशंस भी। तो हमारी हिस्टोरिकल रिलेशंस पे भी डिपेंड करता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में हम पॉलिसी कैसे बनाएं। एक कंसिडरेशन ये हुई। दूसरा, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ अपने कैबिनेट के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, यानी कि ये विदेश मंत्री भी खुद थे। क्यों? इनकी एक बहुत जबरदस्त सोच थी। वो क्या थी? अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, इंडिपेंडेंस क्या होती है? व्हाट इज इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस इज ऑल अबाउट फॉरेन रिलेशंस। क्योंकि नेहरू का मानना यह था कि आप किसी ना किसी लेवल पर एक लोकल लेवल की ऑटोनॉमी को अच्छे से एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं, बट कोई भी ऑटोनॉमी तभी तक ऑटोनॉमी है अगर आपने अपने फॉरेन रिलेशंस मैनेज किए हैं। जिस कंट्री के फॉरेन रिलेशंस ही मैनेज नहीं है, तो वह आज ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हुई या कल पाकिस्तान से कब्जा ली जाएगी, फिर पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट होगी तो चाइना कब्जा लेगा, फिर चाइना से निकलेगी तो म्यांमार कब्जा लेगा। एक तरीका यह हुआ। दूसरा, आज अंग्रेजों के सीधे शासन से आजाद हुए डायरेक्ट रूल से, तो कल अमेरिका के अनाज के अधीन हो जाएंगे। अमेरिका अनाज नहीं दे रहा तो फिर क्या हम तब इंडिपेंडेंट है? हमारी पॉलिसी तो अमेरिका के अकॉर्डिंग होगी। अगर अनाज मिल गया तो रशिया के हथियारों के अधीन आ जाएंगे, उसके आर्म्स एंड एमिनेशन के अंडर आ जाएंगे, फिर भी बाउंड हो गए हैं। और अगर उससे आजाद हो जा रहे हैं तो इंडियन ओशन कंट्रीज के जो ट्रेड पैसेजेस हैं वो उनको कब्जा लेंगे, हम उनके अधीन आ जाएंगे। इंडिपेंडेंस इज ऑल अबाउट दैट, हाउ कैन यू मैनेज योर इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज इंडिपेंडेंस। और अगर यहां पर अगर कोई किसी छोटे से लेवल पे भी आपकी सोवरेनिटी को एनक्रोच कर रहा है, तो जिस एक्सटेंट तक उसने एनक्रोच किया है और जिस लेवल तक किया है, उस लेवल तक आपकी इंडिपेंडेंस खत्म, दैट इज इंडिपेंडेंस। इट इज अ माइंड ब्लोइंग विजनरी इम्पैक्ट। इस चीज ने गाइड किया भारत की विदेश नीति को, फॉरेन रिलेशन को। तो जवाहरलाल नेहरू, देखिए जवाहरलाल नेहरू ही घूम रहे हैं, तीसरा चौथा प्लान चल रहा है, तीसरी चौथी चीज चल रही है। बात जब पहले की थी फर्स्ट एस्पेक्ट में प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ना है, यूनिटी की बात करनी है और डिमार्केशन करना है, फिर बात डेमोक्रेसी की हुई थी, फिर बात इकोनॉमिक प्लानिंग की, हर जगह नेहरू ही छाए हुए थे। आज भी नेहरू हैं। क्या नेहरू के रोल को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है? नहीं, नेहरू मेन आर्किटेक्ट थे। अगर इतिहास में एक गलती ना होती
1962 का युद्ध ना होता चाइना के साथ, आज नेहरू की इतिहास में जो हस्ती होती ना, गांधी, पटेल और ये सब गए, सब पीछे, जो आज दिन तक आप उनकी पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिसीज, बट दैट ब्लंडर ऑफ 1962 विद द इंडो चाइना वॉर ने सब मलाइन करके रख दिया। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या पॉलिसी बनाई जाती है? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि थ्री आस्पेक्ट्स, थ्री पिलर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेलिब्रेशन और फॉर द डीमार्केशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री। कैसे? पहला आस्पेक्ट क्या है? सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री हार्म नहीं होना चाहिए। सेकेंड आस्पेक्ट नेशनल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हार्म नहीं होना चाहिए। तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तीन चीजें मैं जस्टिफाई करता हूं। इंडिया एक कंट्री है और सिर्फ पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद इंडिया ने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अचीव कर ली थी। सारे के सारे स्टेट्स इंटैक्ट थे और प्रिंसली स्टेट्स उनसे आकर के मिल चुके थे, और इंडिया अब 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड था, लेकिन फुली इंटेग्रल था। लेकिन अगर इसके बाद जैसा भारत ने 1971 में पाकिस्तान से एक हिस्सा तोड़ा बांग्लादेश, और उसके बाद पाकिस्तान ने कसम खाई थी कि अगर अब मैं भारत से ना तुड़वा दूं भारत के उसी बराबर बांग्लादेश का हिस्सा, तो मैं भी पाकिस्तान नहीं, और वो नियर टू एकदम नियर बाय एकम्प्लिश भी कर गया था इसका टारगेट को, जब खालिस्तान बनाने की बात आई थी। वो एक तरह का पाकिस्तान का रिवेंज था कि अगर बांग्लादेश में रहने वालों को ऐसा लगता है कि उसे मेन पाकिस्तान के लोगों ने सेकंड ग्रेड का सिटीजनशिप माना, तो सिखों में भी ये फीलिंग डाली गई कि आप इंडिया में सेकंड ग्रेड के सिटीजन हैं और यहां से खालिस्तान निकाला जाए। खालिस्तान रेजोल्यूशन भी पास हो चुका था। अगर ये होता तो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं थी, क्योंकि टेरिटरी को भंग कर दिया गया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खत्म, एक स्टेट निकल गया, कंट्री बन गई। ये कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे हों फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ध्यान रखो। सेकेंड आस्पेक्ट 1962, 63, 64, 65, ये वो पीरियड्स हैं जिन पीरियड में हमें अमेरिका की तरफ से फूड हेल्प की जाती है, फूड एड दी जाती है। PL482 नाम की ये जो फूड एड है, इसके तहत अमेरिका हमें अनाज देता है, पैसा देता है, काफी चीजें मदद करता है। लेकिन जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध लगता है 1965 का, उसके बाद अमेरिका हमारी पॉलिसीज में इंटरवीन करना चाहता है, क्योंकि उस समय तक पाकिस्तान अमेरिका के साथ अलाय कर गया था। और उस समय अमेरिका जब सप्लाई रोकता है भारत में अनाज की, तब भारत की आंखें दुनिया में पहली बार खुलती हैं कि बेटा चाहे जितना विकास कर लो, जो कर लो, अगर अनाज के लिए किसी पे निर्भर कर गए और उसने अनाज की सप्लाई रोकी और फिर उससे अनाज लेने के लिए उसकी बताई पॉलिसी फॉलो की, फिर ये सोवरेनिटी नहीं हुई। दिस इज नॉट सोवरेनिटी, योर कंट्री इज नॉट सोवरेन फॉर द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप किसी का दखल बर्दाश्त करना शुरू कर दिया आपने। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी में सोवरेनिटी का इशू टॉप पे होना चाहिए। तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और उन कंट्रीज के बने हुए ब्लॉक्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी इकोनॉमी ओपन नहीं कर सकते कि आप सिर्फ इसलिए ओपन कर दो कि आपको उस कंट्री का अलाय बनना है, साथी बनना है। आपको अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एजेंडा आप डिसाइड करना है कि आपको अपनी कंट्री में किस सेगमेंट को प्रोटेक्शन देनी है, कौन सी इंडस्ट्री में इम्पोर्ट रोकना है, कौन से सेगमेंट में इम्पोर्ट बढ़ाना है, कौन से सेगमेंट का एक्सपोर्ट होना चाहिए, किसका एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपने कौन सा मॉडल ऑफ इकोनॉमी फॉलो करना है। आप वेस्टर्न ब्लॉक के इन्फ्लुएंस में आके कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते, आप रशियन ब्लॉक के इन्फ्लुएंस में आके टोटल सोशलाइजेशन में नहीं कर सकते। जो आपकी कंट्री के लिए रेलेवेंट है आपको वो करना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है पार्ट फॉरेन पॉलिसी का, और हमें तय करना कि हमें कैसी चाहिए। इन तीन मुद्दों पर खड़ी थी हमारी विदेश नीति और इसी से बने हमारे विदेशी संबंध। ये तो थे हमारे अंदरूनी मामले इंटरनल लेवल पर। एक्सटर्नल लेवल पर उस समय ऐसी बहुत सी चीजें हुई जिन्होंने भारत की जो विदेश नीति थी, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, उसे फॉर्मुलेट होने में काफी हद तक हेल्प की।
वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस क्या थे? आप सभी जानते हैं कि यूरोप 15-16 सेंचुरी से ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जा करके वहां पर कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट अपना रहा था, यानी कि जो यूरोपियन एम्पायर्स थे वो अदर कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना रहे थे उनके नेचुरल रिसोर्सेस के लिए और उनसे चीप लेबर लेने के लिए, या उनके वहां पर जो भी अवेलेबल प्रीशियस मटेरियल्स हैं उस पर मोनोपोली एक्सर्ट करने के लिए, ठीक है, असर्ट करने के लिए। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर क्या आता है, ऐसे में आपने धीरे धीरे कॉलोनियलिज्म अपनाया, अभी तक वो कंट्री सिर्फ आपकी कॉलोनीज हैं, लेकिन स्लोली आपने उनकी पॉलिटी भी कंट्रोल कर ली, राजनीति भी, और अब वो कंट्री कॉलोनियलिस्ट नहीं है, इंपीरियलिस्ट हो गई। अब आप ही के राजा का वहां पर शासन, ये ब्रिटिश क्विंग का वहां पर शासन भी हो गया है, पॉलिटिकल रूल भी हो गया, ये अब साम्राज्यवाद है। क्या है? इंपीरियलिज्म। तो पहले कॉलोनियलिज्म हुआ और वहां से हुआ इंपीरियलिज्म। ये इंपीरियलिज्म जब यूरोप कर रहा था पूरी दुनिया में, अल्टीमेटली यूरोप में भी खुद में ही कुछ सेगमेंट ऐसे थे जिन्हें कॉमनर्स कहा जाता है, उन कॉमनर्स ने जो रूलिंग सेगमेंट्स हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई कि हमें भी कुछ प्रिविलेजेस और अधिकार मिलने चाहिए। यहां से यूरोप में क्रांतियों की शुरुआत होती है और 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन इसकी बिगिनिंग माना जाता है, यानी कि फ्रांस की क्रांति एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे के पूरे यूरोप में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म का जन्म हुआ, और जब ये नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई तो यूरोप में जो बिखरे से कुछ एम्पायर हुआ करते थे वो एम्पायर अब उन कॉमन लोगों के द्वारा बनते हैं, रूलर्स के द्वारा नहीं। यानी कि एम्पायर खत्म, कॉमन लोगों ने अपने आप को अपने कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज और हिस्ट्री के बेसिस पे कंसोलिडेट किया, और जहां पर जिस एरिया में वो खड़े हो करके एक ज्योग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाई करते थे वो स्टेट बना। कौन सा स्टेट? नेशन स्टेट। नेशनलिज्म का कंसेप्ट आ गया है, नेशन स्टेट बनने शुरू हो गए और यूरोप में कई सारे नेशन स्टेट बने। ऐसे में हर नेशन जो नेशनल से बनता है उसने अपने आप को दूसरे नेशन के सामने स्ट्रॉन्गली प्रोजेक्ट करने के लिए, एक नेशन ने दूसरे नेशन को जब कब्जाने का प्रयास किया, अपने टेरिटोरियल एरिया को एक्सपेंड करने का प्रयास किया, ऐसे में नेशन स्टेट्स के बीच में फाइट शुरू हुई। इन्होंने यूरोप में भी एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया अपनी पावर को प्रूव करने के लिए, और इन्होंने उन नेशंस की जो इंटरनेशनली ऑक्यूपाइड कॉलोनीज थी उन कॉलोनीज पर भी अटैक किए, ये बताने के लिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। इन्हीं हालातों से जन्म लेता है पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के 1914 से 1918-1919 में जब ये दो ब्लॉक बने थे उस टाइम पर, एक ब्लॉक जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका है, दूसरा ब्लॉक जिसमें जर्मनी और उस टाइम पर तुर्की और उस टाइम पर इटली, ये इंपॉर्टेंट वे में खड़े हैं। ये दो ब्लॉक्स, इसमें से जर्मनी ब्लॉक डिफीट होता है। जब जर्मन की हार होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके ऊपर बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज लगा दी जाती हैं और इसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्सैले। जर्मनी के सारे आर्म्स डिसआर्म कर दिए जाते हैं, जर्मनी की मिलिट्री को डिसलॉज कर दिया जाता है, डीमिलिटराइज कर दिया जाता है, जर्मनी के ऑक्यूपाइड कॉलोनीज को वापस ले लिया जाता है, जर्मनी के बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल प्रोड्यूसिंग एरियाज को फ्रांस और अदर कंट्रीज को दे दिया जाता है, और जर्मनी सफर करता है बहुत एक्सटेंसिवली। ये वर्सैले की ट्रीटी का नेगेटिव इंपैक्ट था जो जर्मनी में अंडर करेंट की तरह दौड़ता रहा, और फाइनली जब जर्मनी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट एक्टर खड़ा होता है जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर, जनता को उसमें होप नजर आती है कि यह हमें गुर्बत की बेड़ियों से निकालेगा, और फाइनली हिटलर एक पर्सनैलिटी कल्ट के फॉर्म में उभर के आता है। एक पर्सन ऊपर हो गया डेमोक्रेसी से, एक पर्सन ऊपर हो गया लॉ से, रेगुलेशन से, लोगों ने उसे मसीहा बोलना शुरू कर दिया। जब ये सिस्टम डेवलप हुआ, अथॉरिटेटिव रोल आया हिटलर का, हिटलर ने अपनी लॉस्ट कॉलोनीज रीगेन करने का प्रयास किया, हिटलर ने अपनी देश की जनता को, अपने राज्य की जनता को अच्छे से खिलाने पिलाने के लिए अदर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑक्यूपाई करने शुरू किए, हिटलर ने नेशन स्टेट और नेशनलिज्म के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहूदियों को, यानी कि ज्यूस और जिप्सीज, इनको निकाल करके मारना शुरू किया। ऐसे में शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 में शुरू हुआ,
फिर से वही ब्लॉक, एक तरफ आपको जर्मनी नजर आएगा, जर्मनी एंड जापान ये दो मेन पावर है, दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और अमेरिका, ये एक पावर है। फिर से अल्टीमेटली जर्मन ब्लॉक हार जाता है, जर्मनी और जापान का बहुत बुरा हाल होता है, जापान में एटम बम गिराए जाते हैं और जर्मनी में बहुत रेकलेस अटैक्स किए जाते हैं, और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे से जो एक ही तरफ से लड़ रहे दो ग्रुप, दो फाइटर हैं, रशिया और अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इनके बीच में अब ये पावर टसल है कि हु इज मोर पावरफुल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया को कंट्रोल कौन करेगा? ऐसे में इस जद्दोजहद में यूएसएसआर अपना एक ब्लॉक बनाएगा और अमेरिका अपना एक ब्लॉक बनाएगा, और अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि 1945 में जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, इसने 1991 तक चलने वाली सबसे लंबी युद्ध को जन्म दिया, और इसका नाम था शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर का ये जो एरा है, इसमें आपको दो ब्लॉक्स के बीच में पावर नजर आएगी। पहला ब्लॉक अमेरिकन, एंड इसको अमेरिकन यूरोपियन ब्लॉक कहते हैं, और ये ब्लॉक कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी जाना जाता है क्योंकि ये कैपिटलिस्ट टेंडेंसी अपनाते थे, इनकी लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। दूसरा ब्लॉक नजर आएगा आपको यूएसएसआर, रशियन ब्लॉक, इस ब्लॉक को सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कहा जाता है। ये स्टेट कंट्रोल की बात करते थे, लेसेस फेयर की या ओपन इकोनॉमी की बात नहीं करते थे, ये मार्क्सिज्म को मानते थे, ये मार्क्सवादी थे, कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे। अल्टीमेटली इन दोनों ब्लॉक्स ने अब इस 40 साल के दौरान कभी भी रशिया और अमेरिका की डायरेक्ट वॉर नहीं हुई, कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, इसलिए इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं कहा गया, लेकिन इन्होंने हर एक कंट्री में जा करके इनडायरेक्टली एक दूसरे से फाइट की है, उन कंट्रीज के रिसोर्सेस को यूज करके। यानी कि अगर आप वियतनाम का इशू ले लें, तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच का युद्ध, नॉर्थ वियतनाम सपोर्टेड बाय द रशिया, बाय द कम्युनिस्ट, साउथ वियतनाम सपोर्टेड बाय द कैपिटलिस्ट, बाय द अमेरिका। आप कोरिया का एग्जाम्पल ले लें, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया सपोर्टेड बाय द रशिया, बाय द सोशलिस्ट, बाय द कम्युनिस्ट, साउथ कोरिया सपोर्टेड बाय द अमेरिका। आप अफगानिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, अफगानिस्तान फर्स्ट इन्वेडेड बाय द रशियंस, देन अपरूटेड बाय द अमेरिकन्स विद द हेल्प ऑफ द तिब्बतियन, विद द हेल्प ऑफ द तालिबानियंस। आप क्यूबा का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्यूबा फर्स्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कम्युनिस्ट, बाय द रशियन यानी कि बाय द सोशलिस्ट, देन अपरूटेड बाय द कैपिटलिस्ट, बाय द अमेरिका। कुल मिलाकर के पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्लॉक, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, यानी कि अमेरिकन या रशियन ब्लॉक। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पावर टसल है, जिसमें रिसोर्सेस गेन करना है, जिसमें आपको एक दूसरे के कंपैरिजन में ये बताना है कि वर्ल्ड लेवल पर कौन ज्यादा बेटर ऑर्डर स्टेब्लिश कर सकता है। यहां पर यह कंसेप्ट क्लियर होता है कि रशिया में जब 1917 में रशिया का रूलर जार निकोलास टू, जो रशियन एम्पायर का रूलर था, उसे जब वहां की जनता ने रेवोल्यूशन के दौरान उतार करके सड़क पे चौक पे टांग के मार दिया, उस मॉब का या उस रेवोल्यूशन का जो लीडर था लेनिन, व्लादिमिर लेनिन, वो लेनिन का टेर जो लेनिन का बाद में जो रूल हुआ है वो काफी सख्त हुआ है। लेनिन का सक्सेसर आया स्टालिन, स्टालिन का भी जो पीरियड है वो काफी सख्त माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्टालिन के टाइम पर जिसने भी स्टालिन के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे वो ऑपोजिशन का था या उसी की पार्टी का था, स्टालिन ने सबका सफाया किया, और इसे रीन ऑफ टेरर कहा जाता है, डर का एक शासन, बहुत लंबा। ये रीन ऑफ टेरर का जो दौर चला, इसके कंसेप्ट के बेसिस पर अमेरिका ने पूरी दुनिया में ये फ्लोट की बात कि जो सेकेंड वॉर ऑफ वर्ल्ड वॉर थी, ये वॉर फॉर द डेमोक्रेसी है, और अमेरिका ने ये कहा कि इस वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज और खासतौर पर ब्रिटेन, जितनी भी कंट्रीज को अब तक कॉलोनाइज करके बैठा है, उन्हें डीकॉलोनाइज कर देगा, आजाद कर देगा। ये लोकतंत्र के लिए लड़ा गया युद्ध है। ऐसे में रशिया के अगेंस्ट अमेरिका ने ऑपरेशन कंटेनमेंट शुरू किया, कंटेनमेंट पॉलिसी। कंटेनमेंट क्या? रशिया के सोशलिज्म को, रशिया के कम्युनिज्म को कंटेन करना, क्योंकि रशिया के बारे में यह कहा जा रहा था कि
कि वो जबरदस्ती पूरी दुनिया में समाजवाद यानी कि सोशलिज्म या साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म स्थापित कर रहा है, जिसके तहत वो सिंगल पार्टी रूल बढ़ावा दे रहा है, वो मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करने दे रहा है, वो इलेक्शंस को डिमोटिवेट कर रहा है, वो सारे रिसोर्सेज अपने कैप्चर में करना चाहता है सोशलिस्ट मॉडल के थ्रू, वो किसी भी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट नहीं रहने देना चाहता, इससे इंडिविजुअल ग्रोथ का कंसेप्ट स्टेब्लिश नहीं होता, और कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर सरकारी अधिकारी और पावर में बैठे लोग ही खुद का विकास करना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिका ने कहा कि हम लोकतंत्र लाना चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, और जो भी डेमोक्रेसी के हक में आ जाओ, तो पूरे वर्ल्ड में दो पावर ब्लॉक्स खड़े हुए, इसे हम कहते हैं मिलिट्री अलायंसेस, इसे मिलिट्री अलायंस कहा गया है। पहला मिलिट्री अलायंस अमेरिका और यूरोप की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, और इसके जवाब में रशिया का दूसरा मिलिट्री अलायंस जो रशिया के साथ खड़ी कंट्रियां थी उस समय में पोलैंड की कैपिटल वर्सा, वर्सा में किया गया एक पैक्ट वर्सा पैक्ट, तो वर्सा पैक्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी उस समय के छोटे छोटे देश या बड़े देश जो उस समय यूरोप से आजाद हुए हैं या किसी भी और तरीके से इंडिपेंडेंट हुए हैं, उन सभी ने अपनी मैन मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल, डिफेंस और अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी ना किसी एक ब्लॉक को चुन लिया, क्योंकि ये गरीब थे, पॉवर्टी थी, हंगर थी, इनके पास उस समय कुछ था नहीं, और वो ना चाहते हुए भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। ऐसे में इस एक्सटर्नल सर्कमस्टांस ने भारत की विदेश नीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, और अब हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने इस सिचुएशन से कैसे डील किया, क्या कदम उठाया उन्होंने, दैट इज माइंड ब्लोइंग एस्पेक्ट। इतना समझ आया? सर, हाँ जी। इंडिया, देखिए इंडिया उस समय पॉवर्टी में था, इकोनॉमिकली बहुत वीक था, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग था, सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट कांग्रेस, वो भी प्रचंड बहुमत की, तो इकोनॉमिकली वीक है कोई नहीं, पॉवर्टी में है, इलिटरेसी में है, हंगर में है, लेकिन उस लेवल उस समय जो इंडिया की रिकॉग्निशन थी ना वर्ल्ड लेवल पे, अनइमेजिनेबल थी वो, आज तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंडिया की एक से थी, एक आवाज थी। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय बहुत ही ध्यान से ही ऑब्जर्व किया कि इस टाइम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बने तो देश बर्बाद है। आज दिन तक 200 साल तक एक विदेशी ही कंट्री के अकॉर्डिंग नीतियां बनती आई थी, तो ये हाल था। तो या तो आज अमेरिकन ब्लॉक के साथ जुड़ेंगे, तो ऑन द स्पॉट ज्योग्राफिकली जहां लोकेट करते हैं हम, नियर कौन है चाइना, कौन कम्युनिस्ट, नियर कौन है रशिया, कम्युनिस्ट, म्यांमार, कम्युनिस्ट, मिलिट्री रूल चल रहा है, तो कुल मिलाकर के ज्योग्राफिकली जहां लाए कर रहे हैं जिनकी प्रॉक्सिमिटी में है वहां से जाएंगे। सेकेंड आस्पेक्ट, अगर अमेरिकन ब्लॉक को अभी के आज के आज सपोर्ट किया, अमेरिका इज ऑलवेज अजर्टिव, अजर्ट करता है, आपको फंड्स देगा, एमिनेशंस देगा, फिर आपकी पॉलिसीज कंट्रोल करेगा, बिकॉज अमेरिका ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी टिल डेट इट इज अजर्टिव, अजर्ट करता है वो, और अजर्टिव कंट्री से संबंध नहीं बनाने, चढ़ाई नहीं करानी हमने खुद पे किसी की, नीतियां उसके मर्जी से नहीं बनेंगी, क्या किया जाए। लेकिन किसी भी ब्लॉक को नहीं ज्वाइन करना, मतलब ये संदेशा कि हम उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स, नेहरू का स्टेटमेंट था कि दे आर हाईली सस्पिशियस टुवार्ड्स ईच अदर, इतने शक की बिना से एक दूसरे को देखते थे कि गलती से किसी एक की तरफ की दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आप ऑटोमेटिकली उसके लिए शक्की हो, आपको शक की नजर से देखेगा और आपके खिलाफ इंट्रिगिंग शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई आपके खिलाफ लूपहोल ढूंढे जाएंगे और आपको फंसाया जाएगा। ऐसे में जो उस टाइम पर नेहरू के सामने मॉडल था और जो नेहरू ने दिया वो वर्ल्ड का दी बेस्ट मॉडल था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि दोनों में से किसी भी एक ब्लॉक के साथ अलाइन करना ही नहीं है, लेकिन वी विल रिमेन फ्रेंडली विद बोथ ऑफ द ब्लॉक्स। और देखिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इनएक्टिवनेस, हम पॉजिटिवली इनएक्टिव हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि इनएक्टिव ही हो गए, एब्सोल्यूटली इनएक्टिव नहीं थे। जब कोरिया में गड़बड़ हुई हम बोले, जब इंडोनेशिया को आजादी देने की बात थी हम बोले,
जब इजिप्ट पर ब्रिटेन का आक्रमण हुआ 1956 में, हम बोले तो मतलब हम बोलते थे, कटे नहीं है। इसे आइसोलेशन की पॉलिसी कभी नहीं समझना है। हम नॉन अलाइंड हैं बट विद पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म। हम इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि नेहरू का दूसरा विजन ये था कि नॉन अलाइंड पॉलिसी फॉलो करते हुए कभी भी विश्व पटल पर भारत कट नहीं जाना चाहिए। भारत को अग्रणी नेता का रोल प्ले करना है राजनीति में, वो भी विश्व स्तर की। तो पॉलिटिकली इनएक्टिव रहना है लेकिन इन द पॉजिटिव सेंस, किसी को फेवर नहीं करना है, बट अत्याचार अगर हो रहा है तो आकर के आवाज तो देनी है। सबने समझा पढ़ा, कहते हैं बात तो सही कर रहे हो तुम यार। तो फिर अब अलग अलग जगह से बंदे पकड़े। यूरोप से बंदा पकड़ा मार्शल टिट्टो, यूगोस्लेविया का चीफ। अफ्रीका से बंदा पकड़ा घाना का एनक्रूमा। साउथ ईस्ट एशिया से पकड़ा इंडोनेशिया का सुकर्णो। नॉर्थ अफ्रीका और एशिया के बीच में आने वाला इजिप्ट से पकड़ा नासीर। तो मार्शल टिट्टो, एनक्रूमा, नासीर, सुकर्णो और जवाहरलाल नेहरू, इन पांच स्तंभों ने खड़ा किया मिलकर के नॉन अलाइन मूवमेंट। और इनका नेता कौन था? जवाहरलाल नेहरू। उसने इनको पॉलिसी दी, कहते बेटा ये ही करना पड़ेगा फिर ही बचोगे तुम। कहते ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट की पहली मीटिंग बेलग्रेड में होती है 1961 में, सर्बिया का बेलग्रेड वहां पे होती है। और उसी नॉन अलाइन मूवमेंट की मीटिंग है ये। जब नॉन अलाइन मूवमेंट बनाना है, ये पांचों की मीटिंग कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में। नॉन अलाइन की मीटिंग बेलग्रेड में होती है, क्वेश्चन बहुत बार आता है याद रखना। उस दौरान इन्होंने डिसाइड किया कि कैसे काम करना है, कैसे काम करना है, किसी भी ब्लॉक के साथ अलायंस नहीं करना। तब से लेके आज दिन तक याद रखना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया किसी मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा नहीं है आज दिन तक। हम ज्वाइंट मिलिट्री प्रैक्टिसेस जरूर करते हैं समुंदर में, लेकिन वी आर नॉट पार्टी ऑफ एनी मिलिट्री ब्लॉक। हम नाटो का भी हिस्सा नहीं है। नाटो ने बाद में एक ब्रांच बनाई थी सेटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हिस्सा नहीं है। मतलब इंडिया फुली सोवरेन पॉलिसी फॉलो करता है मिलिट्री मामले में, किसी का कोई पार्टिसिपेंट नहीं है। ये इंटरनेशनल ब्लॉक कभी इंडिया को मजबूर नहीं कर सकता कि आओ खड़े हो जाओ, तुम्हें खड़े होना ही है। हाँ, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज में इंडिया 1950s के समय से ही मैन मटेरियल और मनी भर भर के दे रहा है। ये थी नेहरू की पॉलिसी कि जहां पीस की बात है वहां भारत सबसे टॉप पे है, जहां अत्याचार है, लड़ाई है, युद्ध है, वहां भारत साथ नहीं खड़ा होगा। यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट का मेन टारगेट था इंटरनेशनल पीस एस्टेब्लिश करना, कि हमें इंटरनेशनल पीस एस्टेब्लिश करना। दूसरा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के बिना आगे कैसे बढ़ेंगे? डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्निक्स, फंड्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चरल फूड ग्रेन सप्लाई तो करना ही होगा। थर्ड एस्पेक्ट, टेरिटोरियल सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करो सारी कंट्रीज की। और ध्यान रहे, इंडिया की ये पॉलिसी गाइडेड थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 पढ़ लेना आप जाकर के, आर्टिकल 50 और 51 मेंशन करते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल प्रॉस्पेरिटी को स्टेब्लिश करेगा। इंडिया प्रयास करेगा कि भारत के जो विदेशी संबंध हैं वो शांति पर आधारित हो, युद्ध पर आधारित ना हो। मतलब संविधान ये कह रहा है देश की सरकार को कि आप ऐसा करोगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रीटीज और अदर एस्पेक्ट्स की रिस्पेक्ट करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। इंडिया हर समय यही प्रयास करेगा कि किस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प की जा सके और उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम से बचाया जा सके, और किसी भी उस कंट्री का साथ नहीं देगा जो पॉलिटिकल अजर्शंस रखता है, एजर्टिव एटीट्यूड रखता है। ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कह के गए हैं। और भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती, कुछ अलग नहीं है। आप सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसी आधार पर भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट फॉलो किया। इससे भारत को लाभ क्या हुआ? सबसे पहला एस्पेक्ट, भारत को दोनों ब्लॉक से ही दोस्ती की मदद मिलती ही रही। भारत का विरोध भी हुआ। भारत के अंदर से ही कई राजनीतिक दल ऐसे थे जो ये कहते थे कि भारत को आर्म्स एंड एमिनेशंस के लिए रशियन ब्लॉक के साथ जुड़ना चाहिए, और भारत को कूटनीतिक तरीके से ज्यादा अच्छे संबंध अमेरिका से भी बनाने चाहिए, क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र को समर्थन करता है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। तो ऐसे बहुत से ग्रुप्स थे जो ये कह रहे थे। लेकिन उस टाइम पर इंडिया का स्टैंड ये था कि
कि किसी भी ब्लॉक के साथ अभी अलाइन नहीं होना, वरना इंडिया डिवास्टेट हो जाएगा। दूसरी बात, इंडिया ये कहते, नेहरू ये कहते थे कि हमारी लोकेशन, जहां पे हम लोकेटेड है इंडियन ओशन में, हमारी कंट्री का साइज और हमारी कंट्री की स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस, इन चीजों को अगर देखें तो हमें पूरी वर्ल्ड की पॉलिसी मेकिंग में एक इफेक्टिव रोल प्ले करना है। वेस्ट से ईस्ट के बीच में हम एक ब्रिज बन सकते हैं, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की गेम थी, ईस्ट जो कि चाइना रशिया, वेस्ट जो कि यूरोप अमेरिका, तो इंडिया ने ब्रिज बनने का काम किया, क्योंकि ये दौर ही ऐसा था बड़े पैमाने पर 1945 से 50s का दौर, जिस समय में यूरोपियन कंट्रीज डिवास्टेट हुई हैं वर्ल्ड वॉर टू से, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिवैम्प करने का सोचा, जापान जर्मनी का रीडेवलपमेंट चल रहा है, चाइना फोर फ्रंट पे आ गया है, और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो गया है और चाइना भी अब असर्टिव है, और 1964 में चाइना अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है और न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद फिफ्थ न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन जाता है, और पूरी दुनिया में पांच न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स खड़े हो जाते हैं, अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, और ये वही पांच जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं, और पांचों के पांचों न्यूक्लियर वेपन भी हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह के समीकरण जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन रहे हैं तो आसान नहीं होता विदेश नीति बनाना, लेकिन भारत ने बनाई और इतनी सुदृढ़ विदेश नीति कि खड़े हैं आज दिन तक वैसे ही। इसके बावजूद किस किस तरह के सर्कमस्टांसेस ने ओवर पावर किया है इंडिया को, कुछ ओवर कॉन्फिडेंसेस, बार बार वल्लभ भाई पटेल के समझाने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू का यह कहना कि बहुत दूर की संभावना नजर आती है कि कभी चाइना अटैक करेगा, हमें खतरा केवल पाकिस्तान से। और ध्यान रखिए आप कि 1962 के युद्ध से पहले तक पैरामिलिट्री फोर्सेस चाइना वाले बॉर्डर पे खड़ी होती थी, आर्मी भी खड़ी नहीं की जाती थी, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधीन छोड़ा गया था हमारा चाइना बॉर्डर, और वही चाइना है जिसने सबसे पहला झटका दिया। भारत के चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत पुराने थे और वो अंग्रेजों के समय के थे। भारत और चाइना की जब इंडिपेंडेंस हुई है, अगर हम देखें तो चाइना में जब 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया और जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की स्थापना हुई है, भारत वो पहला मुल्क था पूरी दुनिया का जिसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया था चाइना में, और ये कहा था कि बात सही है कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ही चाइना के असली हिस्सेदार बनते हैं, आरओसी माने रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले नहीं जो ताइवान चले गए, चाइना इनका है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाला कम्युनिस्टों का है, ये जो एन लाई का है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ ऐसा भारत और चीन संबंधों में कि सिचुएशन इतनी बिगड़ी कि 1962 का युद्ध लगा। अब विदेश नीति के मामले में अगर चाइना के साथ संबंध जानना चाहते हो तो इसे समझना बहुत जरूरी है। भारत और चाइना के आपसी संबंध बहुत अच्छे थे, बड़े पैमाने पर चाइनीज प्रीमियर इंडिया आते थे और भारतीय जवाहरलाल नेहरू चाइना जाते थे, और वहां की जनता पुरजोर स्वागत करती थी इनका और यहाँ की जनता उनका। लेकिन एक प्रॉब्लम जो परसिस्ट कर रही थी वो क्या थी, भारत ये चाहता था कि चाइना उन मैप्स को फॉलो करे और उन बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करे जिन्हें कभी ब्रिटिशर्स ने कंक्लूड किया था जब ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में था, लेकिन चाइना ये कहता था कि ब्रिटिशर्स के समय की कोई चीज अब एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमें बाउंड्रीज रीड्रॉ करनी है, ये सारी बाउंड्रीज नक्शे पे बनाई हुई हैं, हमें बाउंड्रीज प्रैक्टिकली बनानी है। ये मुद्दा तो था ही था, लेकिन एक मुद्दा सबसे स्ट्रॉन्ग क्या था, 1949 में जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद चाइना में सरकार कम्युनिस्टों की बन जाती है और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है, उसके बाद से ही चाइना ने पूरे चाइना को कंसोलिडेट करना शुरू किया। ऐसे में चाइना ने वो सारे रीजन्स कंट्रोल करने की कोशिश की जो एथनिकली, रिलीजियसली और कल्चरली चाइना की मेन पॉपुलेशन से बहुत अलग थे। चाइना जो कि ईस्टर्न चाइना के तौर पे जाना जाता है, जो कोस्टल चाइना है जहां पे हान चाइनीज हैं, इसके अलावा अगर आप चाइना का नॉर्थ वेस्ट देखेंगे, यहां जहां पर आपको उग्यूर नजर आएंगे मुस्लिम्स, इसके अलावा